नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। कृषि विकास अधिकारी को रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने दबोचा। जबलपुर में खाद बीज विक्रय करने की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस बनवाने के एवज में रिश्वत मांग रहे कृषि विकास अधिकारी को जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आवेदक राघवेंद्र सिंह पिता स्वर्गीय श्री कुशल सिंह ग्राम रोहनिया थाना बड़वारा जिला कटनी ने 28 मई को लिखित शिकायत देते हुए बताया कि उसके बड़े भाई पुष्पराज सिंह के द्वारा खाद बीज विक्रय करने की दुकान खोलने के लिए उपलोक सेवा केंद्र विलायत कला से दिनांक 25/5/2023 को ऑनलाइन आवेदन किया गया था। उक्त कार्य के संबंध में आवेदक द्वारा संबंधित कृषि विकास अधिकारी पंचम गाठे से मिलने पर उसके द्वारा लाइसेंस से संबंधित समस्त दस्तावेज तैयार करने एवं लाइसेंस बनवाकर दिलाने के एवज में 6,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायत का सत्यापन कराया गया। शिकायत सत्यापन उपरांत 19 जून को कृषि विकास अधिकारी बड़वारा पंचम गाठे को तिलक कॉलेज रोड गुप्ता इंडस्ट्रीज के सामने रिश्वत राशि 5,000 रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। वहीं इंदौर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के बाद विहिप ने तेज किया नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान। शहर में बढ़ रहे नशे के कारोबार के खिलाफ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के बाद विश्व हिंदू परिषद का नशा मुक्ति अभियान और तेज हो गया। विहिप नेताओं का कहना है कि पुलिस ने लाठीचार्ज और गिरफ्तारी करके हमारा मनोबल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस घटना से संगठन के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। अब वे दोगुना उत्साह से नशा मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं। इसी बीच विहिप ने परदेशीपुरा के कनकेश्वरी मंदिर परिसर में महाविद्यालयीन युवाओं को नशा मुक्ति जनजागरण गोष्ठी रखी, जिसमें सैकड़ों युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताया और नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।